चलिए कुछ और खबरों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मर्सिडीज बेंज ने एएमजी सेगमेंट में अपनी नई कार एएमजी जीटीएस लॉन्च कर दी है। मर्सिडीज बेंज की भारत में ये 14वीं कार लॉन्चिंग है। कार की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 2,40,00,000 रुपए है। स्पोर्टी लुक वाली ये कार सिर्फ 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी। एएमजी सेगमेंट में ये सबसे हल्की कार है जिसका कुल वजन 231 किलो है। इसमें एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स हैं। कार का इंटीरियर काफी स्पोर्टी रखा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हेपेटाइटिस बी विरोधी मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के मौके पर खुलासा किया कि अब तक उनका सिर्फ 25% लीवर ही काम कर रहा है। अमिताभ ने बताया कि उन्हें भी हेपेटाइटिस बी बीमारी है और इसका पता उन्हें साल 2000 में चला। रतन टाटा ने एक बार फिर स्टार्टअप में एक बड़ा निवेश किया है। टाटा ने सिंगापुर की डाटा फर्म क्रायोन डाटा में निवेश किया है। रतन टाटा ने ये निवेश अपनी निजी हैसियत से किया है। हालांकि उन्होंने कितना निवेश किया ये अभी नहीं पता। वीडियोकॉन मोबाइल के स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। जानकारी के मुताबिक कंपनी स्पेक्ट्रम बेचने के लिए वोडाफोन और आइडिया सेलुलर से बात कर रही है। माना जा रहा है कि डील 10 से 15 दिन में फाइनल हो जाएगी। वीडियोकॉन के पास 6 सर्किल में 1800 MHz स्पेक्ट्रम मौजूद है। NIIT यूनिवर्सिटी ने बिजनेस एनालिटिक्स में MBA कराने के लिए WNS के साथ करार किया है। NIIT हर साल 60 छात्रों को इसके लिए ट्रेनिंग देगी। और इंडिया सुपर 30 में बस इतना ही। आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे अजीत, लेकिन उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार में आर्मी पोस्ट पर आतंकी हमला। संसद के विंटर सेशन से पहले आज सर्वदलीय बैठक। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिश में आतंकी हमले में 12 सैनिक मारे गए, आपातकाल लागू। नागपुर टेस्ट में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला।